आइए दोस्तों बात करते हैं 3P+M फॉर्मूला फॉर बिजनेस सक्सेस। 3P+M फॉर्मूला, ये थोड़ा थोड़ा इकीगाई के जैसा ही है। इकीगाई के IKIGAI इकीगाई के ऊपर में एक और वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ही इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीन पीज होते हैं और एक एम होता है, जिससे आपको बिजनेस सक्सेस एंड ग्रोथ एंड लाइफ का भी सक्सेस जो है वो मिलता है। तो ये 3P+M फॉर्मूला क्या है बिजनेस सक्सेस के लिए, जैसे कि आप ये स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। तो नंबर वन, कि जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें आपको पैशन होना चाहिए, यानी वो करना आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए। आप अपना करियर ऐसा चुने, बिजनेस ऐसा चुने कि वो चीज़ आपको बहुत पसंद होना चाहिए, यानी कितने भी घंटे आप करते रहे उसमें आप थके नहीं, आप करते चले जाएं और समय का बोध नहीं होगा। इस तरह का आप अपना वोकेशन या बिजनेस चुने, या फिर उस बिजनेस का एक ऐसा हिस्सा चुने जो कि आपके पैशन से मेल खाता है, आपकी लाइकिंग से मेल खाते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है वो काम करने में। तो पहला तो ये है। दूसरा, उसका एक पर्पस होना चाहिए, यानी उस बिजनेस के माध्यम से या आप जो भी कर रहे हैं उसके माध्यम से एक बेहतर दुनिया कैसे बने, एक बेहतर दुनिया बनाने के हिसाब से आपको वो काम करना चाहिए। तीसरा पी है प्रोफिशिएंसी, यानी दक्षता। उस काम में आप वाकई बहुत अच्छे होने चाहिए, उस काम में आप ट्रेंड होने चाहिए, उस काम को लेकर के आप और अधिक प्रशिक्षण ले, उस काम को लेकर के आप और अधिक ट्रेनिंग्स ले, अनुभव ले, ताकि आप उसमें वर्ल्ड क्लास लेवल पर जा सके। तो तीसरा है प्रोफिशिएंसी, और चौथा है कि वो सब करके आपको पैसा मिलना चाहिए, आपकी अर्निंग होनी चाहिए, आपको अर्थ लाभ होना चाहिए। अदरवाइज कुछ समय बाद वो पूरा सब कुछ जो है वो ध्वस्त हो जाता है, अगर आपने पर्याप्त पैसा नहीं कमाया तो। कई लोगों को लगता है कि बस मेरा पैशन है तो उससे मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, या मेरा लाइफ का पर्पस है ये, वो मुझे बस मैं पैदा इसीलिए हुआ हूं कि मैं युवा सशक्तिकरण कर सकूं, या पैदा मैं इसलिए हुआ हूं कि गरीबों की मदद कर सकूं, या पैदा मैं इसीलिए हुआ हूं कि जो नारियां जिन पर अत्याचार हो रहा है उनके लिए मैं ये कर सकूं। तो ये आपको शुरुआत में लगता है, बट जब तक ये चारों चीजें एक साथ नहीं आती तब तक जो है वो आप उसमें असली सही सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल पाता। तो अगर आपके पास ये चारों नहीं है, मान लीजिए सिर्फ ये अगर आपका पैशन है, जैसे कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, सिर्फ अगर ये पैशन है आपका तो आप उसको एक हॉबी के रूप में ले सकते हैं, अपना लाइफ्स वर्क के रूप में या अपने बिजनेस के रूप में नहीं लग सकते, सिर्फ ले सकते हैं। अगर सिर्फ आपको पैशन है उस चीज का, वो बस करना अच्छा लगता है, तो वो आपकी हॉबी है। जैसे गार्डनिंग आपकी हॉबी हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग आपकी हॉबी हो सकती है, ये हो सकता है। तो अगर सिर्फ पैशन है और बाकी की चीजें नहीं है तो ये आपकी हॉबी है। दूसरा, अगर सिर्फ वो पर्पस है, अगर सिर्फ उसमें पर्पस है कि ये मेरा पर्पस है, मेरा ये काम है, ये मुझे अच्छा लगता है करना, उसमें जो है आपको अच्छा लगता है करना, आपकी जीवन का उद्देश्य आपको लगता है, तो समझ लीजिए फिर ये चैरिटी है। दिस कैन नॉट बी अ बिजनेस, दिस कैन नॉट बी अ वोकेशन। सिर्फ अगर पर्पस है, जैसे सिर्फ अगर पैशन है तो आपकी हॉबी है, वो सिर्फ पर्पस है, और बाकी की तीनों पी और एम अगर नहीं है तो इट इज ओनली अ चैरिटी। मान लीजिए ये आपका पैशन भी है और पर्पस भी है, पैशन भी है और पर्पस भी, आपको बहुत अच्छा लगता भी है करना और आपका लाइफ का एम है, पर उससे अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो आप बहुत सेटिस्फाइड व्यक्ति रहेंगे लेकिन गरीब रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे लेकिन गरीब रहेंगे। और अल्टीमेटली अगर अर्थ लाभ नहीं होता तो कुछ दिनों के बाद में जब उत्साह ठंडा पड़ जाता है, या फिर अगर कोई आपका साथ नहीं देता है, तो फिर वो पूरा आपका काम जो है वो ध्वस्त हो जाता है। तो इसीलिए अगर हमको सक्सेस पाना है तो ये बहुत जरूरी है कि पैशन और पर्पस और मनी, ये तीनों अगर इन्वॉल्व है उसमें, या आपके बिजनेस का ऐसा एक हिस्सा आप कर रहे हैं जिसमें आपके लाइफ का पर्पस भी फुलफिल होता है, आपकी लाइकिंग भी फुलफिल होती है और आपको अर्थ लाभ भी होता है, तब हम कह सकते हैं कि यस दिस इज द राइट बिजनेस फॉर यू। पर चौथा पी जो है, ये एक बिजनेस आपका बन जाएगा, पर अगर आपको इस बिजनेस की ग्रोथ भी चाहिए, लाइफ की भी ग्रोथ चाहिए, बिजनेस की भी ग्रोथ चाहिए, तो फिर एक चौथा इसमें फैक्टर मिल जाता है, जहां पर ये 3P और M फॉर्मूला सब एक साथ आ जाए, यानी पर्पस प्लस पैशन प्लस मनी प्लस प्रोफिशिएंसी, यानी आप उसमें ग्रो होते रहे, अपग्रेड होते रहे, ग्रो होते रहे, अपग्रेड होते रहे, तो उस कंडीशन में सिर्फ ये बिजनेस भी नहीं रह पाता, ये हो जाता है सक्सेस एंड ग्रोथ ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। ये चारों चीजें, सक्सेस, ग्रोथ, लाइफ और बिजनेस, ये चारों चीजें इसमें जो है वो कवर हो जाती है। तो दोस्तों आप
अगर अभी यंग हैं और अभी सोच रहे हैं कि किस प्रकार का करियर लूं, या बिजनेस भी अगर मैं करूं तो बाकी चीजें लोगों को देकर के मैं स्वयं बिजनेस के कौन से पहलू में जो है इन्वॉल्व रहूं बिजनेस चलाने के लिए, तो अगेन ये चार चीजें 4 3P+M ये फॉर्मूला जो है जरूर याद रखिएगा। पैशन भी फुलफिल होना चाहिए, आपका लाइफ का पर्पस या उद्देश्य भी फुलफिल होना चाहिए, आपको अच्छा अर्थ लाभ या पैसा भी मिलना चाहिए, और उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग आपका अपग्रेडेशन कांस्टेंट भी उसमें होना चाहिए, तब आपकी लाइफ और बिजनेस दोनों ग्रो होगी और आपको सक्सेस और ग्रोथ सभी मिलेगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, और किस तरह की वीडियोज़ आप मुझसे चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा ताकि इस प्रकार का और मैं वीडियोज़ आपके सामने ला सकूँ। और साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, अगर किसी चीज से आप सहमत है तो लिखिएगा, अगर कोई पॉइंट से आप असहमत है तो लिखिएगा, ताकि हम और आप मिल करके एक बेहतर जगत और एक बेहतर विश्व बना सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।